दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के इस वीडियो में आपको पोको F2 Pro के जो है टॉप 10 फीचर्स बताने वाला हूं। हालांकि ये फोन जो है अभी चाइना में ही लॉन्च हुआ है और इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होगा, तो आप इसका वेट करें या नहीं, या फिर आपको ये स्मार्टफोन बाय करना है या नहीं, आप जो मैं फीचर्स बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग जो अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं। और पोको F2 के फीचर्स के बारे में बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए ताकि हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले फीचर के बारे में बात करें पोको F2 के, तो यार इसमें आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन की तरफ से लेटेस्ट प्रोसेसर, या फिर मैं कहूँ टॉप मोस्ट प्रोसेसर 865, जो कि जो है एंड्रॉइड मार्केट में सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। तो ये आपके अगर आप परफॉर्मेंस वाइज कोई फोन चूज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस हो सकती है। और बात करें यहाँ पे सेकंड फीचर के बारे में, तो यहाँ पे जो है आपको फुल स्क्रीन देखने को मिलती है, कोई नोच या बेजल्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। और ये जो स्क्रीन है ये आपको सुपर एमोलेड देखने को मिलती है। बस एक ही जो है यहाँ पे मैं कौन कहना चाहूंगा कि यहाँ पे किसी भी तरीके का आपको जो है रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता है 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज का। और दोस्तों बात करें यहाँ पे थर्ड फीचर के बारे में, तो थर्ड फीचर है पोको F2 की बैटरी। आपको 4700 mAh की मॉन्स्टर बैटरी देखने को मिलती है, तो आप अगर गेमिंग वगैरह करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे टाइम देखने को, बैटरी टाइम देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको अगर नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 30 वाट पे फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, जो कि आपका फ़ोन 63 मिनट्स में जो है फुल चार्ज कर देती है 0 to 100। ये जो है एडवर्टाइज्ड है, और तो एडवर्टाइज हुआ है तो यार इतने में आपका फ़ोन जो है ज़रूर चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करें फिफ्थ फीचर के बारे में, तो यहाँ पे जो है आपको 20 MP का पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। यार पॉपअप सेल्फी कैमरे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं और लुक में भी जो है यूनिक से लगते हैं, अच्छे लगते हैं मतलब। और यहाँ पे बात करें सिक्स्थ फीचर के बारे में, तो यहाँ पे आपको 64 MP का जो है क्वाड कैमरा देखने को मिलता है। और जो यहाँ पे आपको 64 MP का जो सेंसर है वो आपको यहाँ पे सोनी का MX686 देखने को मिलता है, जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और दोस्तों बात करें यहाँ पे सेवन्थ फीचर के बारे में, तो यहाँ पे जो है पोको F2 में आपको फ्रंट और बैक में ग्लास मिलता है, तो यहाँ पे जो प्रोटेक्शन भी दी गई है आपको, यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का जो है प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। और दोस्तों बात करें यहाँ पे एट्थ फीचर के बारे में, तो यहाँ पे जो है पोको F2 के अंदर आपको जो है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। और बात करें यहाँ पे नाइन्थ फीचर के बारे में, तो यहाँ पे जो है पोको F2 के अंदर जो है आपको UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट है यहाँ पे UFS 2.1 से भी और UFS 3.0 से भी। और जो यहाँ पे फोन्स आते हैं वो उसमें आपको जो है UFS 3.0 मिलती है, लेकिन आपको इस स्मार्टफोन के अंदर जो है UFS 3.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों टेंथ फीचर कह लीजिए या फिर जो है इस फोन की प्राइस रेंज कह लीजिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस पे आ रहा है ये स्मार्टफोन। ये आपको इसका जो बेस वेरिएंट है आपको 8128 GB का, वो आपको जो है यहाँ पे 35,000 के अराउंड देखने को मिलेगा। और इस प्राइस रेंज के अंदर जो है ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, और मतलब मेरे ख्याल से तो यार ये इकलौता ऐसा स्मार्टफोन है जो आपको 35,000 के अंदर 865 स्नैपड्रैगन जो है यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है। और दोस्तों आपको जो फीचर्स अच्छे लगे हैं पोको F2 Pro के मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बने रहिए नेक्स्ट जोन टेक के साथ, फ्यूचर में अच्छी वीडियोज आती रहेंगी।